सांबा जिला के कई पहाड़ी व कंडी गांवों में गर्मियों की शुरुआत होते ही पानी के लिए हाहाकार मच जाता है और आलम यह है कि पहाड़ी गांवों के लोग तालाबों का गंदा पानी पीकर ही अपना गुजारा करते हैं, लेकिन जल शक्ति विभाग इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। जिला सांबा के ब्लॉक सुम के पंचायत कारड़ के गाँव रेओड़ की हालत भी बहुत खराब है। इस गांव में पिछले कई महीनों से जल शक्ति विभाग की सप्लाई से पानी नहीं पहुंचा है और इस समय गांव के 70 से अधिक घर एक गंदे पानी के तालाब से पानी लेकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जिस तालाब से ये गांव के लोग पानी पी रहे हैं उसे देखकर ही मन खराब होने लगता है, लेकिन जिला मुख्यालय नंदनी से 20 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी गांव रेओर के लोगों के लिए यही पानी उनके घर का गुजारा करता है और वो इसी से अपने मवेशियों को भी पानी पिलाते हैं। पानी की परेशानी आ रही है क्योंकि जो पाइपें लगी हैं वो रोड की वजह से उठा ली, तो उसके बाद लगा रहे हैं, कभी कभी लगाते हैं, कभी कभी काम में ऐसे डिलर रखते हैं क्योंकि वो पानी की बहुत दिक्कत है। जो दरिया से नीचे से पानी आता है वो ट्यूबवेल डाल देते हैं, वो तो अभी तो महीने को एक बार आता है। जहाँ कभी ऐसा करते हैं अगर फ़ोन करते हैं, जेई साहब को फ़ोन करते हैं, एसी साहब को फ़ोन करते हैं, तो एक टैंकर मुका लेते हैं, तो पूरे गांव में एक टैंकर पूरा नहीं होता है क्योंकि वो इतना, क्योंकि बत्तर कुंभा है, बत्तर कुंभे में इतना पानी पूरा नहीं होता है, वो बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद एक हमारे नज़दीकी एक तालाब है, तो तालाब में पानी पशु भी जो पीते हैं, इंसान मतलब जो इंसान लोग वो भी वहाँ पीते हैं, वो मजबूरी प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या करें, मजबूरी है। ऐसा जे साहब को फ़ोन करते हैं, आपको ऐसा भी करते हैं, वो हम इतनी बात हमारी सुनते नहीं है क्योंकि जहाँ कपड़े धोने के लिए ऐसे नीचे दरिया के पास जाते हैं वो पानी वहाँ से धोकर लाते हैं, तो ऐसे क्या करेंगे जहाँ अभी बहुत हमें इस गाँव की बहुत दिक्कत ख़राब है। तो पहला नुकसान इंसान के लिए पानी होता है, तो पानी भी नहीं मिलेगा इस गाँव में क्या रहने का क्या साधन है। जनाब रिक्वेस्ट, जनाब के सरकार के साहब रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ये हल जल्दी से जल्दी करें। पानी तो मिलता ही नहीं है, यहाँ तालाब का ही पानी मिलता है, कभी कभी पानी आता है 15-20 दिन के बाद आता है कभी कभी पानी, और जब नहीं आता है तो यही तालाब का ही पानी पीते हैं। तो जो पशु पक्षी और जानवर हैं वो ही यहीं से ही पानी पीते हैं और हमें भी यहीं से पानी पीना पड़ता है। मुश्किल ये बस, हमारा गांव सांबे से 18 किलोमीटर पर पड़ता पहाड़ी एरिया है, तो अभी आपने देखा ये तालाब का हालत क्या है, और बाढ़ के पानी पीता है हम लोग, ठीक है, पशु भी यही पीते हैं, तो यही बाकी तलाई छोटी छोटी सब सूख गई हैं, यही तालाब का बचा है। तो पीएच का काम चालू है, अभी 3 महीने हो गए पानी आया हुआ है, नल का नहीं आता है, 15-20 दिन में टैंक एक आता है, तो एक ड्रम देंगे, दो ड्रम उसमें थोड़ी चलता है। जब हमने सप्लाई पाइपलाइन हमारी लगी हुई है वहाँ पे, तो फिर ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर वो अपने माल मवेशी को पिलाते हैं तो दैट इज उसके लिए नहीं तक होगा, बट अपने लिए कंसर्न है तो उनको हम पानी की सप्लाई दे रहे हैं, उनको चाहिए अपने कनेक्शन ले, अगर उसमें अगर कनेक्शन नहीं है फिर मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, बट अदरवाइज हमारा पाइप वाटर सप्लाई अवेलेबल है। पानी उनका रूटीन में पीछे थोड़ा सा डैमेज हुआ था, जब रोड का काम चल रहा था तो उससे उनकी पाइप डैमेज हुई थी, बट वो हमने रिस्टोर कर दी थी, अभी पानी उनका नॉर्मल चल रहा है। एक दो दिन से जो प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज ये 2 दिन के बाद से तूफान चला है, इससे लाइट बड़ी डिस्टर्ब हुई है, और ये रिवर या उदम की बात नहीं है, इवन छामा टाउन डिस्टर्ब हुआ है हमारा सारा, ऑलमोस्ट गढ़वाल यानी ऑलमोस्ट मेरी सारी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो लाइट के कारण डिस्टर्ब रही है, क्योंकि ये जो शाम को तूफान आपने कल भी अगर नोट किया हो, बहुत जबरदस्त एकदम तूफान आया है, जिससे कि सारा हमारा जो स्टेशन की सप्लाई थी पावर सप्लाई वो डिस्टर्ब रही है। ये कल आपका अगर आप फॉलो करोगे तो कल उनको वैसे भी सप्लाई रूटीन में आनी है तो कल मिल जाएगी, उनकी ऑल्टरनेटिव सप्लाई अगर उसमें है तो उसमें आएगा उनको पानी, ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं है उनकी सप्लाई, पावर सप्लाई क्योंकि सारा पंपिंग सिस्टम है, लिफ्ट स्कीम्स हैं, तो थोड़ा सा उसके कारण डिपेंडेंसी रहती है पावर सप्लाई।